नमस्कार ड्रोन सिटी खबर कुनिया में स्वतंत्र बुलेटिन बारबटी धौली एक्सप्रेस को स्वागत कर छी मुकुष्मिता प्रथम राज्य पकाबा हेडलाइंस पर आके मिनट पर देशवासी को उद्देश्य रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वार्ता एपटे राज्यवासी को कोरोना ने सचेतन कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक टीका आसीबा जे सावधान रहबा को देले परामर्श बटी आदाय को नहीं कठोर है कमिश्नर पुलिस दादा बटी को ना अभियान रे जारी है हेल्पलाइन नंबर बटी मागिले एसएमएस किंबा कॉल करने को आह्वान सेपटे गैंगस्टर राजा आचार्य नारे बुक हो पारे एनएसए विजिलेंस जाल रे कोटिपति जंत्री भुवनेश्वर जीपीएच डिविजन 2 रे सहकारी निर्वाही जंत्री को घरे विजिलेंस रेड आर भरभूत संपत्ति ठोल अभियोग रे रवींद्रनाथ प्रधान को बासभवन सहित 6 स्थान रे चढ़ाओ राजभवन निकट पेट्रोल पंप विस्फोरण कारण खोजुती केंद्रीय टीम तदंत कले पेट्रोलियम मंत्रालय 4 जणिया दल सेपटे कोर्ट को अनुमति पर डीएनए टेस्ट पर पठागला सीमांचल परिवार लोकों रक्त नमूना दिनक पर मंडप में पूजा पाए महामाया पूजा पर कमिश्नरेट पुलिस प्रस्तुति बैठक कटक रे दुर्गा पूजा पर 30 प्लाटून पुलिस फोर्स 100 पुलिस अधिकारी दायित्व एवं आज राजधानी 228 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट संगरोध केन्द्र 47 स्थानीय संक्रमित 182 भुवनेश्वर सुस्थ हेले 308 बदन सीधासळख नजर पकाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण पर लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही
10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देखी के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं, यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, रामचरितमानस में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं, सीखने जैसी बातें हैं, लेकिन साथ साथ
अनेक प्रकार की चेतावनियां भी हैं। जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप, रिपु रुज पावक पाप, प्रभु अहि गनिय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। दो गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूँ, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूँ। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूँ। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूँ, मैं आज अपने मीडिया के साथियों से भी, सोशल मीडिया में जो सक्रिय हैं उन लोगों से भी बड़े आग्रह से कहना चाहता हूँ कि आप जागरूकता लाने के लिए, इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरण अभियान करेंगे, ये आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। आप जरूर हमें साथ दीजिए, देश के कोटि कोटि जनों को साथ दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वस्थ रहिए, तेज गति से आगे बढ़िए और हम सब मिलकर के देश को भी आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती समेत सभी त्योहारों की सभी देशवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तेज आप देखिपे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभिभाषण देशवासी को संबोधन कले आउ कोरोना काल में सप्तम थरप संबोधन कर 15 दिन मध्य सप्तम थरप देशवासी को बार्ता देखते कोरोना सहित भारत लड़ुची आगक लड़बार अच्छी बर्तमान लकडाउन हटी कि कौन मात्र सचेतनतार अभाव देखागले कोरोनार युद्ध कौटि ना कौटि दुर्बल हो मोदी तेज बर्तमान जी देखा लकडाउन जा भाइरस जाए भारत में संक्रमण मृत्युहार कम रही विकसित देश आगे रही भारत टेस्टिंग कैपेसिटी शीघ्र 10 कोटी को टपी कहुच्छे जोटा कि भल खबर ए समय अधिक सतर्क रहा आवश्यकता रही है। पार्वण समय ए समय आम खुशी बांटु गति करुच्छे जीवन में कितु पार्वण समय आम समस्त सचेतन रहा आवश्यकता रही है। निजे सतर्क न रहे अगर प्रति विपद रही यूरोप्रे कोरोना कमे बढ़ुची यूरोप्रे एक उदाहरण से आम समस्त सचेतन रहा आवश्यकता रही है। बर्तमान भारत में डेथ रेट कम रही रिकवरी रेट
मध्य कोठना कोठे बहुत अधिक रही किंतु जे देखिबा यूरोप रो उदाहरण देछंती वर्तमान कोरोना संक्रमितों संख्या मध्य कम आसुची प्रतिदिन किंतु यूरोप रो उदाहरण दे कहिछंती कि सचेतनता ही वर्तमान सर्वोपरि सचेतनता द्वारा ही आमे समस्त निजको मध्य आमे सुरक्षित रख पारे आखपाख लोक मध्य सुरक्षित रख पारे यूरोप रे कोरोना कमिया परे बढ़ुची बोली मोदी कहिछंती सफलता पूरा न होबा जाए सतर्क रहबा को कहिछि ए युद्ध पूरा न हला जाए आम समस्त सचेतन और सतर्क रहा को कहा जाइछि टीका न आसीबा जाए ए लड़ाई जारी रहिबो आ मानवता को बचाइबा को सारा विश्व ए लड़ाई जारी रहिछि तेज बर्तमान अधिक आलोचना करवा आम मो सहयोगी कमलाकांत बर्तमान न्यूज रूम आम सहित जोड़ी होती कमलाकांत जे देखा 215 दिन में सप्तम थरपाई कोरोना महामारी समय मोदी अभिभाषण देशवासी को संबोधित करते बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठाई सहित पार्वण ऋतु तार शुभेच्छा मत जन कौन कह चाहिए आप प्रधानमंत्री किछ समय पूर्वरु देश को संबोधित करुथिले कोरोना काल रे सप्तम देशवासी को अभिभाषण थिला तो ए जो कोरोना स्थिति रे गोटे पटे पार्वण ऋतु चली समय भितर जेतेबेले यूरोप और अमेरिका देश रे पुणी थरे कोरोना द्वितीय थर फेरी सेइतिपाई प्रधानमंत्री देशवासी को अनुरोध करिछंती जो पर्यंत वैक्सीन न बाहरी से पर्यंत कोविड कटकणा को मानंतु पार्वण गोटे खुशी समय किंतु जदि एही समय रे आमे टिके भी सतर्क न रही तेबे आमे निज जीवन को तो विपद रे पकाइबा ता सहित परिवार एवं समाज पाई मध्य आमे विपद हेबा सेइपें प्रधानमंत्री अनुरोध करछंती जो पर्यंत वैक्सीन न बाहरी से पर्यंत प्रतिटी भारतीय सतर्क रुहंतु कारण सात मास धरी भारत कोरोना सह लड़ुची देशवासी को जो माने असुविधा सह सम्मुखीन होइछंती किंतु ता सत्वे कोरोना कटकणा को मानिछंती सेइपें भारतीय को प्रधानमंत्री धन्यवाद जणाइछंती तबे से आहुरी मध्य कहिछंती वर्तमान भी युद्ध शेष होइनाई आउ से कबीरंक कथा कहुतिले जे जे पर्यंत रोग एवं न्याय एटा दुईटी एभली घटना जहाँ को केबे भी छोट बोली भाविबा बड़ भूल हेबो सेइतिपई जो पर्यंत भारत एही युद्ध रे विजय न होछि से पर्यंत सतर्क रहिबा को पड़िबो टिके ढिला देले पुणी थरे यूरोप कथा कहुतिले प्रधानमंत्री अमेरिका कहुतिले विकसित देश मानंकर कथा कहुतिले जोटी द्वितीय बार पुणी थरे कोरोना फेरी कारण जितेबाला से माने खुशी होते जे कोरोनार संक्रमण हार कमुची किंतु पुणी थरे वर्तमान देखा जाउची से स्पेन एवं यूरोपीय कंट्री मान लॉकडाउन सटडाउन कथा पुणी थरे चिंता करा जाउची तेणु से माने प्रधानमंत्री भारतीय को सतर्क कराई जे यूरोप अमेरिका कथा कही कि आउ गोटे कथा भी कही विकसित देश मानक मृत्यु हार और संक्रमण हार बढ़ी बेले भारत एथिरे भल मुकाबला करिछि भारत रे संक्रमण एवं मृत्यु हार अन्य विकसित देश मानक ठारु अधिक भल रही तबे एहा सहित सतर्क रहिबा को बारंबार प्रधानमंत्री आज अभिभाषण रे देशवासी को अनुरोध करछंती कारण भारत भल लड़ी कोरोना सहित भारत भल संग्राम करिछि किंतु वर्तमान पर्यंत युद्ध शेष होइनाई सेइतिपई जो पर्यंत आमुकु टीका न मिलिछि से पर्यंत भारतीय माने अधिक सतर्क रहिबा पई प्रधानमंत्री आउ किछि समय पूर्वरु कहुतिले पार्वण ऋतु चलिछि पार्वण एक खुशीर समय भारतीयक पई बहुत बड़ समय जेतेबेले कि दशहरा चली गुजरात ओडिशा एमती कि बहुत जो दशहरा बड़ पर्व से ही समय जनगहली को नजवापी कोविड कटकणा को मानवापी पुणी थे देशवासी को मन पकड़ प्रधानमंत्री एवं कहते सारा विश्व मानव जाति को बचाईवाई कोरोना सहित कोरोना सहित लड़ापाई सारा विश्व एकाठी होइछि लड़ुची भारत मध्य एथिरे तार संग्राम जारी रखिछि एही समय रे जेतेबेले भारत मध्य वैक्सीन आणिबारे भारतर भूमिका मध्य रहिछि भारत मध्य निज स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बाहर करबा पाई आगरे रहिछि प्रधानमंत्री कहुतिले जे जेतेबेले वैक्सीन बाहरिबो सेतेबेले प्रतिटी भारतीयक पाखरे प्रथमे पहुंचाइबा पाई चेष्टा करुछंती सरकार पूरा वैज्ञानिक पद्धति रे योजना प्रस्तुत करा जाइछि जेतेबेले भी वैक्सीन को अनुमति मिलिबो सेतेबेले प्रतिटी भारतीय प्रतिटी नागरिकक पाखरे किभळी एई वैक्सीन पहुंचिबो सेथिपई केंद्र सरकार पूरा चेष्टा करुछंती प्रधानमंत्री मध्य कहुतिले जे वैक्सीन किभळी भाबरे प्रतिटी भारतीयक मिलिबो सेथिपई योजना प्रस्तुत करा जाउछि आउ से पर्यंत भारतीय प्रतिटी भारतीय जेउभळे भाबरे संग्राम जारी रखिथिले ताहाकु जारी रखिबा पई कहिछंती कोरोना जो कोरोना मुकाबला पई जो सामाजिक दूरता हातो धोइबा सेई कथाकु पुनर्बार बारंबार प्रधानमंत्री कहते कारण यह आउ कि समय पूर्व प्रधानमंत्री कहते देखा जे सोशल मीडिया रे
किसी वीडियो प्रसार होउछि जेउथरे कि किछि लोक एहाकू हालुकार नै जाउछन्ती कारण जदि भी देखिबे प्रथम थोर पई आज भारत रे 24 घंटा रे संक्रमितक संख्या 50,000 तळकू आसीछि तो किछि भारतीय एथिरे निजकू सतर्क रखुनांती भावुछन्ती जे कोरोना सह युद्ध सरीगला किंतु प्रधानमंत्री कहउछन्ती जे पर्यंत कोरोना रो युद्ध शेष होइ नै जो पर्यंत आमे संपूर्ण भाबरे सेथिरे विजय न होइछु बा वैक्सीन न बाहरिछि से पर्यंत आमकू सतर्क रहिबाकू पड़िबो जदि कहिबा जे वैक्सीन कथा कहउथिले प्रधानमंत्री प्रतिटी भारतीय को देबा पई केंद्र सरकार प्रस्तुति जारी रखिछन्ती किभली भाबरे जदि वैक्सीन को स्वीकृति मिल जाए किभली भाबरे सबु समस्त भारतीय के पाखरे एहा सहज रे मिलि पारिबो से नै योजना चालीछि किभली भाबरे जेतेबेले प्रतिटी तार जो चेन रही कोल्ड स्टोरेज हो केमी समस्ती कम दाम रे एवं सहजरे मिल पार से प्रधानमंत्री योजना करपरि सोशल मीडिया कथा कहते प्रधानमंत्री जदि ये करोना सचेतनता सृष्टि हो अभियान कराऊ कि भाव में लोक अधिक सतर्क रे अभियान को जदि आप अधिक जारी रखिए से प्रधानमंत्री अपील कर सोशल मीडिया मीडिया मध्यम यही अभियान को जारी रखत कि भावे लोक सचेतन हेबे जमा भी सतर्क जो भाव रही आसला सत मास आगु को मध्य जारी रहिबे कारण संख्या कमुची किंतु कोरोना हटी ना भाइरस संक्रमण हार कमी मृत्यु हार कमी तेबे कोरोना संपूर्ण भाव भारत ठू जाई से प्रतिटी भारतीय भारतीय को अनुरोध करछंती सतर्क रुहंतु जो पर्यंत वैक्सीन न आसी आमको सतर्क रहिबाकू पड़िबो सत मास आमे जो कोरोना विरोध रे लड़ुचु ताकू आमको जारी रखा पड़ो कुस्मिता निहाती कमलाकांत जी आप कहले ए गोटे कथा आउ गोटे कथ नोट करवा जदि आज प्रधानमंत्री निज संबोधन रे पार्वण शुभेच्छा तो जनाई किंतु अधिक चिंता व्यक्त करछन्ति जो माने एबे आउ सचेतन हो रही ना ता सहित मीडिया बंधु आउ सोशल मीडिया यूजर तर गुरुत्व देखिए भूमिका उपर गुरुत्व देखते से विषय कौन कहे वर्तमान सोशल मीडिया रे जे भली भाबरे कोरोना को नहीं कि दुईटी पक्ष रही गोटे पटे लोक भयभीत करा किंतु आउ गोटे पटे सचेतन रही बारंबार अभियान चलाउथिले से मानकु प्रधानमंत्री धन्यवाद देइछंती जो माने कोरोना पई सोशल मीडिया रे सचेतन बार्ता देउथिले बा अभियान चलाउथिले जहार फल देखिबा को मिलुथिला लोक माने अधिक सचेतन होउथिले सेथिपई प्रधानमंत्री आगकु मध्य सेई भली भाबरे सोशल मीडिया रे अभियान जारी रखिबा पई अनुरोध करछंती से भली आउ गोटे कथा मु कहिबा पई चाहिबी टेस्टिंग कथा प्रधानमंत्री कहते जे खूब शीघ्र देश में टेस्टिंग संख्या 10 कोटी को टपिव बोली 10 कोटी को टपिव भारत एभली किसी संकेत दे प्रधानमंत्री कारण जो रेट रे भारत रे टेस्टिंग संख्या बढ़ुची खूब शीघ्र भारत रे टेस्टिंग संख्या 10 कोटी को टपिव बोली प्रधानमंत्री कहते कारण कोरोना मुकाबला रे टेस्टिंग रो सबुठ बड़ भूमिका थी जदि नजर पक प्रारंभिक स्टेज जिते भारत रे टेस्टिंग हो ना आलोचना कर भारत रे टेस्टिंग होना कोरोना मुकाबला टेस्टिंग रो भूमिका सबुठ गुरुत्वपूर्ण थी थाए से आउ थे टेस्टिंग संख्या 10 कोटी को खूब शीघ्र टपिव बोली कहते प्रधानमंत्री तबे शुणा प्रधानमंत्री अभिभाषण रे कौन रही से नहीं आग शुणिने प्रधानमंत्री कौन कहते ये समय लापरवाह होने का नहीं है ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। पुणे फेर सहयोगी कमलाकांत सहित न्यूज रूम लगातार जोड़ी होती कमलाकांत जो देखा कोरोना वैक्सीन जीत गुरुत्व दिखाई समस्त अपेक्षा कर रही है कि वैक्सीन केबे आसब एने की प्रतिदिन किसी ना कि अपडेट सामना को आई क्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गोटा कोठी गोटे आश्वासना देखते कि वैक्सीन प्रति भारतीयों पाखे पहुंचा यहाँ गोटे भल खबर आम कहपर निश्चित भाव में किसी दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कहते जे प्रक्रिया आरंभ हो जाए कि भाव में सब भारतीय को कोरोना वैक्सीन मिल कहते जे मार्च मस पूर्वर वैक्सीन आसीपे आज प्रधानमंत्री कहले प्रति भारतीय को भारतीय पाखे वैक्सीन पहुँचाई हम केन्द्र सरकार सबुठ बड़ टार्गेट आरत समस्त पाखे किभली पार से गोटे मास्टर प्लान प्रस्तुत करदिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कहते आज प्रधानमंत्री सारा देशवासी गोटे प्रकार आश्वासना देखते जिते बड़े भी वैक्सीन आसो प्रति भारतीय पाखे पहुँचाइबार जो केन्द्र योजना रही प्रति भारतीय पाखे वैक्सीन को पहुँचाई कुस्मिता समस्त सूचना पाई तेज देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधन कोरोना काल में सप्तम थर पर संबोधित करवासियों को 215 दिन में सप्तम थर पर देशवासियों को कोरोना जनित बार्ता देखते प्रधानमंत्री तेज पार्वणर समय पार्वणर शुभेच्छा जनवा सहित सतर्क रहें कारण यह समय अधिक सतर्क रहा आवश्यकता रही यूरोप्र उदाहरण यूरोप कोटि ना कोटि कोरोना संक्रमित संख्या कमी था कि हठात पुणी बढ़ी जाता से आम समस्त सतर्क रहा पड़ा यार सुधा बर्तमान बुलेटिन समय सोचिए अधिक खबर पर भिजिट करते हमारे वेबसाइट तारकास.डॉट इन नमस्कार।